नाज़रीन, अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो जबलीपोरा अनंतनाग से आ रही है और यहाँ पर एक बार फिर से एक हमला हुआ है। अब की बार जो हमला हुआ है वो नॉन लोकल पर हुआ है और ये इस महीने में दूसरा हमला है, जबकि इससे पहले साउथ कश्मीर के शोपियां में भी एक कैब ड्राइवर जो दिल्ली का था उस पर हमला किया गया था, अगरचे वो बाल बाल बच गए थे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो जबलीपोरा अनंतनाग साउथ कश्मीर से आ रही है। आपको मैं बताऊं कि इस महीने में ये दूसरा अटैक है। 8 अप्रैल को भी एक अटैक एक कैब ड्राइवर जो दिल्ली का था शोपियां में हुआ था और अब की बार जबलीपोरा अनंतनाग से अभी अभी खबर आ रही है कि एक नॉन लोकल जो बिहारी बताया जाता है, बिहार का रहने वाला है और इनकी आइडेंटिफिकेशन राजा शाह के तौर पर हुई है और मिलिटेंट जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स है उनकी तरफ से फायरिंग इस पर की गई है। बताया जाता है कि एब्डोमिनल और जो नेक है उसमें जो गोलियां है वो पाईबंद की गई है, अगरचे उनको फौरी इलाज मुआलजा के लिए यहाँ पर अनंतनाग के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, जहां पर बताया जाता है कि उनको श्रीनगर रेफर किया जाएगा। क्योंकि ये सुनने में आया है, जिस तरह से वहां के लोकल जराये से हमें मालूम हुआ है कि उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अब इस तरह से लग रहा है कि पिछले एक महीने से ये दूसरा अटैक जो है, यानी कि इस महीने में ये दूसरा अटैक है, जबकि इससे पहले शोपियां में जो अटैक हुआ था हीरपोरा शोपियां में एक नॉन लोकल पर अनंतनाग जबलीपोरा में एक अटैक हुआ है और उसको क्रिटिकली यहां पर हस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अगरचे यहां पर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल अनंतनाग में उसको लाया गया है, लेकिन ये बताया जाता है कि उसको श्रीनगर रेफर किया जाएगा क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। ये जो जिस पर अटैक हुआ है ये बिहार का रहने वाला है और राजा शाह के तौर पर इसकी पहचान हुई है। अभी अगर बताया जाता है कि 3 गोलियां इसके एक तो गर्दन में पायबंद की गई है, 2 एब्डोमिनल्स में इसकी गोलियां जो है वो लगी है और बताया जाता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रिम है, क्रिटिकल है। और आपको मैं बताऊं कि इस महीने में ये दूसरा अटैक है, इससे पहले हीरपोरा शोपियां में भी एक नॉन लोकल कैब ड्राइवर पर हमला किया गया था जिसमें वो बाल बाल बचे थे, अगरचि बाद में उसको भी रेफर यहाँ पर श्रीनगर में किया गया और अभी तक वो ज़ाहिर इलाज ही है, अगरचि उसको रिलीव किया गया था अस्पताल से। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो अनंतनाग जबलीपोरा से आ रही है, जहां पर एक नॉन लोकल को अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये क्या काम करता था, क्या ये मजदूरी करने के घर से यहां पर आया था। लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है वो जबलीपोरा अनंतनाग से आ रही है कि एक नॉन लोकल जिसकी पहचान राजा शाह के तौर पर हुई है उस पर गोलियां चलाई गई है, क्रिटिकली वो इंजर्ड हुआ है और उसको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अनंतनाग किया गया है, जहां पर बताया जाता है कि उसको श्रीनगर मुंतकिल किया जाएगा। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से यहाँ पर पूरे इस इलाके को मुहासरे में लिया गया है और जिन्होंने भी ये घटना अंजाम दी है उनकी धरपकड़ के लिए फिलहाल यहाँ पर तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं बंद किए गए हैं, पूरे इस इलाके को मुहासरे में लिया गया है और जिन्होंने भी ये घटना अंजाम दी है उनके लिए अभी तमाम जो खारजी और दाखिली रास्ते हैं उनको सील किया गया है और आने जाने वालों की तलाशियाँ भी ली जा रही है और लोकल्स जो इर्द गिर्द के जो लोकल रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उनकी भी कहीं एक मकानों की तलाशियाँ ली गई है। फिलहाल मैं आपको जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं फिर से ये बताऊं कि जबलीपोरा अनंतनाग में एक नॉन लोकल पर मिलिटेंटों की तरफ से सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स की तरफ से एक अटैक किया गया है, जिसमें एक नॉन लोकल जिसका नाम राजा शाह है बिहार का रहने वाला है उस पर अटैक किया गया है और कहीं एक गोलियां जो है उसके गर्दन में और जो एब्डोमिनल्स है उसमें पाईबंद की गई है, उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, उनको श्रीनगर भी मुंतकिल किया जा सकता है। फिरदौस लाही, JK News, श्रीनगर।